बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप सबको हमारी तरफ से मोहब्बतों भरा सलाम अर्ज़ है। फुकाही अहनाफ में एक बहुत बड़े फ़कीह गुजरे हैं जिसका नाम अब्दुल्ला बिन हुसैन रहमतुल्ला अलैह और कुनियत अबुल हसन है। अब्दुल्ला बिन हुसैन इराक़ के एक नवाई बस्ती करख की तरफ नस्बत की वजह से करखी कहलाते हैं। आप नाम से ज़्यादा कुनियत से मशहूर और मारूफ थे। इमाम अबू बकर जस्सास और इमाम अबुल हसन कुदूरी रहमतुल्ला अलैह जैसी मशहूर शख्सियात के उस्ताद थे। मौलाना अब्दुल्हई लखनवी आपकी हालात में तहरीर फरमाते हैं, आप रहमतुल्ला अलैह बड़ी कसरत के साथ नमाज पढ़ते और रोज़ा रखते थे। आखिर उम्मत में आप पर फालिज ने हमला किया, आप फालिज के हमले से माजूर हो गए। आपके शागिर्दों ने वक्त के बादशाह सैफुद्दौला बिन हमदान को लिखा कि इमाम करखी अब्दुल्ला बिन हुसैन के लिए बैतुल माल से कुछ वजीफ़ा मुतय्यन कर दिया जाए ताकि वो फारिगुल बाली के साथ अपनी उम्र की आखिरी अय्याम बसर कर सकें। इमाम करखी बिन हुसैन को जब शागिर्दों की इस तहरीक का इल्म हुआ तो बेहद रोए और बोले, ए अल्लाह, मुझे मेरा रिस्क बस उसी जगह से अता कर जिसका आपने मुझे आधे बना रखा है। मौलाना अब्दुल्लाह लखनवी ने लिखा है, सैफुद्दौला का 10,000 दिरहम का अतिया इमाम करखी के लिए उसके पास भेजा गया। दूसरी तरफ लोग इस इल्म व अमल के पैकर को कंधों पर उठाए तय खाक सुलाने के लिए जा रहे थे। इमाम अबुल हसन अब्दुल्ला बिन हुसैन करखी रहमतुल्ला की वफात शौबान की 15वीं शब में हुई और आप अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेशन में हमें ज़रूर जवाब दीजिएगा और इसी तरह हमारी अच्छी वीडियो, मालूमात से भरपूर वीडियो, सबक आमोज़ वाक़यात से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैज़ी वॉइस को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह आपका निगहबान हो।